हमारे गांव में एक बहुत बहुत रूढ़ी वाली परंपराएं मानते हैं। हमारे गांव में जब लड़कियों के पीरियड्स होते हैं तब उनको घर से दूर रखा जाता है, दूर घोंसले, दूर गाय भैंसों के घोंसले में रहना रहना पड़ता है उन्हें। और 5-6 दिन तक तो भाई बहन का शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती है हमें। बोलते हैं कि भाई जो भाई होते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है, नहीं देखते हैं। और हमें रोज सुबह सुबह नहाना पड़ता है, और कपड़े भी अलग होते हैं हमारे, नहाने के कपड़े अलग होंगे, जो सोने के बिस्तर होंगे वो भी अलग होंगे, और खाने के जो बर्तन होंगे हमारे वो भी अलग होंगे। मैंने आर्टिकल लिखा था जगथाना गांव पे, जो कि हर्षिला साइड को पड़ता है। वहाँ पीरियड्स के मामले में, जो लड़कियों की मेंस्ट्रुएशन होती है उसके मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं लोग, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं उनको 15 दिन के लिए, फर्स्ट टाइम 15 दिन के लिए गोट में रखना पड़ता है। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। बहुत सारे गांवों में होता है, हमारे गांव में नहीं, बहुत सारे ये हमारे ब्लॉक में ही, मेरे चाचा लोग हैं मेरे, दूसरे गांव में रहते हैं, पुरकुनी, जगताना, सब सब जगह मानते हैं ये रीति रिवाज। बेड बिछाते हैं हम, फिर यहाँ सोते हैं हम, नीचे नहीं सोते क्योंकि कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो थोड़ा सेफ्टी तो होता ही रहता है हमारा, तो यहाँ पे सो जाते हैं। जब घास खाते हैं ना तो बार बार मुंह चलाते रहते हैं लोग, और बकरी तो बहुत परेशान करती है, इनकी वजह से रात भर नींद नहीं आती हमें। पढ़ाई भी करते हैं तो यहाँ गाय भैंस जब पॉटी करते हैं बहुत स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, तो हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते। रात भर बड़ी मुश्किल से एक रात बिताते हैं हम। अजीब होता है खाने में भी, हमें जब खाना खाते हैं तो स्मेल आती है, तो मैं तो नहीं खा पाती है, मैं तो बाहर चली जाती हूँ, अब मम्मी लोग खा लेते हैं यहाँ। सर्दियों के टाइम पे लड़कियों को क्या करना पड़ता है कि एक बोरी में सोना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा बिस्तर लेके सोएंगी तो उन्हें सुबह उसको नदी लेके जाना पड़ेगा, उतना बड़ा बिस्तर। और नदी आसपास नहीं होती है, दूर होती है, 2-3 किलोमीटर दूर होगी, ऐसी कुछ होगी। जब थाना का पानी वैसे भी बहुत ठंडा होता है तो बर्फ़ की तरह जमा होता है, उतना बिस्तर वो कैसे धोएगी करके, वो इस चीज़ में एक बोरे पे सोती है और एक पतली पतला सा चादर लेके सोती है। अपना नदी जाने का रास्ता क्या होता है, उन्होंने अलग बनाया होता है उनके लिए गांव से थोड़ा दूर, तो अगर वो गलती से सुबह डर के मारे, 4 बजे उनको जाना होता है उस रास्ते में, 4 बजे जाना होता है, तो अगर वो गलती से किसी के घर के आगे से निकल जाती है तो वो घर, जो गांव वाले होते हैं, जो जिनका वो घर होता है, वो उनको बाकी डांटते हैं, फिर तो उसके बाद उनकी फैमिली को भी ताने वगैरह देते हैं, ये सब करते हैं। तो रास्ते में घर है, कितने सारे लोग इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, घबराहट होती है, बहुत सारी घबराहट होती है, डर लगता है कि अगर लोग देखेंगे। औरतें तो बहुत सारी बातें बनाती है, ये देखो देखो उस लड़के के पीरियड्स हो गए, इतना बातें बनाते हैं, बोलते हैं, मैं बोलते हैं अरे पीरियड्स तो नॉर्मल बात है, ये इतनी छोटी उम्र में पीरियड्स हो गए, अरे इसके हाथ का खाना मत खाओ, ये वो, अगर कहीं भी जा रहे हैं ना ऐसा बोलते, ए दूर रहना मुझसे, ऐसा बोला कि पीरियड्स हो गए, तो उसके शक्ल देख ली हमने, फर्स्ट दिन हो रहे हैं उसकी शक्ल देख, और बोलते हे भगवान मेरी तो नसीब फूट गई। लोग बोलते हैं कि लड़की को अकेले नहीं जाने देना है, अगर उसको अपनी क्लासेस लेनी है, अपनी उसको कुछ और करना है, तो उनको अकेले नहीं जाने दिया जाता। लेकिन लोग सुबह के 4 बजे उसको अकेले नदी जाने के लिए बोल रहे हैं, वो भी जंगल के रास्ते, वो भी ऐसे रास्ते में जहाँ लोग ड्रंक पी के नीचे लेटे रहते हैं। अगर हमारी डेट आनी होती है तो मुझे पहले दिन टेंशन हो जाती है कि हे भगवान ये क्यों आए होंगे, इस अगर कुछ भी करना होगा, स्कूल का काम भी करना, अगर हमें स्कूल जाना होता है ना, हम पीरियड्स हो गए तो बहुत सुबह सुबह नहाना होता है, अगर सुबह हो गया तो नहा के स्कूल जाओ, फिर वहाँ से स्कूल से आओ, फिर कपड़े धो, फिर इतना सारा काम करो, स्कूल का काम ही नहीं होता, स्कूल के काम में भी हमें किसी दिन तो स्कूल भी नहीं जा पाते हम इसकी वजह से। मानते हैं हमारे वहाँ देवी देवताओं का ये होता है, हम मानते हैं, हम 5 दिन तक नहीं खाते हैं, जो कोई खा भी ले या कभी इधर उधर हुआ तो आदमी जो हल्का बीमार हमारे भी पड़ता ही है। हम बात तो की है कि ये सब क्यों मानते हो तुम इतना, ये बोला मैंने मम्मी पापा लोगों से, मम्मी बोलते हैं ये पुरानी रीति रिवाज है, इसे मानते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो जो नहीं मानते वो उनकी गलती है, ऐसे बोलते हैं कि भगवान उसे उन्हें सजा देगा। जैसे देवी डिंग बोलते हैं जिसको देवता आता है, मतलब
हमारे पहाड़ में, तो उसको एकदम वो बीमार जैसे पड़ जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, तो इसलिए मानते हैं। स्कूल में जो हमें मेंस्ट्रुएशन के बारे में सिखाया गया है वो एक नॉर्मल ब्लीडिंग है, और जो हमें घर में लोगों को सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें पीरियड्स होते हैं तो उसके बाद तुम्हें मंदिर से दूर रहना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए, या फिर वो बीमार हो जाएगा अगर तुम किसी को पानी दोगे, ये सब, तो ये सब चीज़ें, इससे कोई, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बात है। पंडित होते हैं उनके बेटियाँ बेटियों के नहीं मानते ये, वो बोलते हैं अभी वो कन्या है, कन्या की नहीं मानते, वो बोलते हैं अभी ये छोटी बच्ची है, जब शादी के बाद मानते हैं वो इस चीज को। मैं बोलती हूँ इतने बड़े महापंडित लोग नहीं मानते, हम क्यों माने। धीरे धीरे ये तो रीति रिवाज तो खत्म होना ही होना है हमारे उसमें, नहीं तो अगले अगले बार तो धीरे धीरे हो चुका है, पहले तो बहुत ज्यादा मानते थे, अब तो ऐसा नहीं, नॉर्मल हो गया। जैसा लोगों ने बचपन से सिखाया है, जो चीज़ बच्चों को बोली है कि ऐसा होगा, जैसा उनको सिखाया गया वैसा उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, तो ये चीज़ें चलती जा रही हैं। अब इनको रोकना पड़ेगा ताकि लोग जागरूक होएं। आजकल के ज़माने में तो लड़कियां लड़कों से आगे हैं, पता नहीं इस गांव की सोच कब बदलेगी।